हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एवरीथिंग एयर में। तो गाइड्स, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ गैस टैंकर जो होता है उसकी स्टैंड बाई कैसे होती है। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो पहली बार जुड़ेंगे मेरी वीडियो के साथ, अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला बटन दबाने के बाद ऑल पर भी क्लिक जरूर करें। उससे आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आते रहेंगे दोस्तों। हेलो गाइड्स, शायद आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी को ज्वाइन, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अपना मैसेज और पूछ सकते हैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। गाइड्स जो आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े रस्से होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रोपे होती हैं, इन्हीं के माध्यम से इतने बड़े शिप को पोर्ट यानी जट्टी से सटाकर यानी लगाकर खड़ा कर दिया जाता है। इन्हीं के सारे इतना बड़ा शिप जट्टी पर बहुत ही आसानी से खड़ा रहता है, लोडिंग और डिस्चार्जिंग आराम से हो जाती है। कोई भी शिप हो, छोटा बड़ा, कोई सी भी कंपनी का शिप हो, पोर्ट पे आने से पहले उस पर एक पायलट आता है। उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है स्टैंड बाई। इसमें मोरिंग भी होती है, मोरिंग कहते हैं जो ये रस्से आप देख रहे हैं बड़े बड़े, इनको जट्टी पर पोल लगे होते हैं उन पर नीचे की ओर दिया जाता है। नीचे होते हैं मोरिंग मैन जो नीचे बड़े बड़े रोप या रस्से दिए जाते हैं उनको पोल में घेर देते हैं। तो इसी पूरी प्रक्रिया को स्टैंड बाई कहते हैं दोस्तों। गाइड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा बड़े बड़े जहाजों को आखिर किस तरीके से पोर्ट पर यानी जट्टी पर लगा दिया जाता है। तो सामने आप देख रहे होंगे ये गैंग बे है, एक्स्ट्रा गैंग बे होता है हर शिप पर, क्योंकि जो इस शिप का मेन गैंग बे है उसके सामने क्रेन आ रखी है। आप देख रहे होंगे ये बड़ी सी एक क्रेन है, तो उस गैंग बे को नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा गैंग बे होता है, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। तो गैंग बे कहते हैं लैडर को, जिनके माध्यम से, जिस सीढ़ी के माध्यम से या पौड़ियों के माध्यम से शिप पर ऊपर की ओर जाया जाता है, तो उसको बोलते हैं गैंग बे। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और जो पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स गाइड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर डालना आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइड्स, अपने शिप की चल रही है इस टाइम पर डिस्चार्जिंग तुर्की के सैमसंग पोर्ट पर, और यहाँ से डिस्चार्ज फिनिश होने के बाद अपना शिप जाने वाला है रसिया। और रसिया का जो नेक्स्ट पोर्ट है हमारा, उस पोर्ट का क्या नाम है वो बताऊंगा मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो
तो वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहें, काफ़ी ज़बरदस्त ये वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है गाइड्स। क्या आपने भी कर रखा है 10th या 12th, तो आप भी कर सकते हो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन। तो कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा गाइड्स।